अरे आप तो वही हो ना जो ऊपर वाले फ्लोर पर आए हो अभी। वेलकम जी हाँ, जी वेलकम। ये थैंक यू। ये कौन है आपके साथ? क्या मेरे हस्बैंड हैं। ये आपके हस्बैंड है? क्या आप बचपन से ही इनके पैर खराब हैं? ये कैसे बोल रही हैं आप? नहीं, मैं तो बस तुम्हारा सोच रही थी। कितनी दिक्कत होती होगी ना तुम्हें। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी मजबूरी। देखो, मुझे पता है तुम्हें अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। अब तुम्हारे पति तो ठीक से चल भी नहीं सकते हैं। बहुत दुख होता है ये सब कुछ देखकर। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। हम एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है ना। अपने आप को कभी अकेला मत समझना। अरे, तुम कहीं जा रही हो? जी, मार्केट। पता है, तुमको ऐसे देखकर ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब देखो ना, तुम घर की औरत होकर सारी जिम्मेदारियां संभालती हो और तुम्हारे पति घर में आराम से बैठते हैं। जी नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब संभाल लेती हूँ। वैसे तुम्हारे कोई बच्चे भी हैं? आपकी प्रॉब्लम क्या है? अरे अरे, गुस्सा मत हो, मैं तो बस यूं ही। वैसे पता है, उस दिन ना मैंने तुमसे पूछा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पति साथ में थे ना। तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी जो तुम्हें इस अपाहिज के साथ शादी करनी पड़ी? कोई पैसे वैसों का चक्कर था क्या? बस कीजिए आप। आपकी प्रॉब्लम क्या है? अरे मैं तो बस यूं ही। बस कीजिए। आप जानना चाहती हैं ना कि मेरी क्या मजबूरी थी? आज मैं आपको बता ही देती हूँ। लेकिन प्लीज, इसके बाद ये रोज रोज का टोकना बंद कीजिए। बेटा, मैं तो ये जिस बिल्डिंग में आप रहती हैं ना, ये हमारे बेटे के नाम पर है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने इस बिल्डिंग को बनाने का सपना शादी से पहले देखा था, और शादी के बाद हमने मिलकर इसे पूरा किया। और आज जिस हालत में मेरे हस्बैंड है ना, वो पहले ऐसे नहीं थे। कुछ महीनों पहले ये हमारे बेटे के साथ स्कूल से लौट रहे थे। रास्ते में इन लोगों का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में मेरे हस्बैंड तो बच गए, लेकिन हमने हमारे बेटे को खो दिया। और आज तक ये उसी ट्रॉमा में है। ये अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार खुद को मानते हैं। सॉरी बेटा, मुझे समझने में कुछ गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी फैमिली में इतना सब कुछ हो चुका है। रहने दीजिए बस। आपको पता भी कैसे होता? आपने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने मेरी और मेरे पति की सिचुएशन पे हंसना शुरू कर दिया, हमारा मजाक बनाना शुरू कर दिया। आपने बिना सच्चाई को जाने चीजों को अपने मन में ही मान लिया। बट प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आगे से किसी के जख्म मत कुरेदिएगा और किसी की भी सिचुएशन का मजाक मत उड़ाइएगा। पता है, आप जैसे लोग ही होते हैं जो लोगों को अपने ट्रॉमा से बाहर निकलने ही नहीं देते। इसलिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हम लोगों से दूर रहिए, अपने काम से काम रखिए और हमें सुकून से जीने दीजिए प्लीज। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.